हेलो राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? चलिए आज मैं अपने चैनल पर आपके सामने ब्यूटी ब्लेंडरों का रिव्यू देने जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे अनदर वीडियो का लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो मेरे अनदर वीडियो को भी ज़रूर से वॉच करिएगा। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर का पूरा पैक दिखाने जा रही हूँ। ये ब्यूटी ब्लेंडर है और ये मेड इन चाइना है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया है। और इसमें हर तरीके के ना ब्यूटी ब्लेंडर मिलते हैं, मतलब मिल जाए, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इसमें 6 ब्यूटी ब्लेंडर, 6, 7, आई थिंक 8 तक ब्यूटी ब्लेंडर इसके अंदर पैकेज में होते हैं। तो ये हमारे जो टूल्स होते हैं मेकअप के, इस तरह से ब्रश वगैरह होती है ना, उनसे भी मेकअप किया जा सकता है। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर का जो इफेक्ट होता है ब्यूटी, वो बहुत अच्छा मेकअप फ्लॉलेस बेस बना के तैयार होता है। और सिर्फ इसमें हमको सारे तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और इसकी MRP कुछ 100 रुपये है, और लोकल मार्केट से अगर आप बार्गिंग करेंगे ना तो आपको ये 80 to 60 रुपये में ही मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। अब मैं इसको अपना ओपन कर लूँगी। ओपन करने के बाद ये सबसे पहले ये वाला सॉफ्ट सा ये स्पंज निकलता है। स्पंज को इससे हम अपने फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं, लूज पाउडर लगा सकते हैं। और यदि हमारे पास स्टिक वाली फाउंडेशन होते हैं तो उनको भी हम डैब 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 करने के बाद करके और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मेन काम होता है कि आप इससे पाउडर लगा सकते हैं, जो कि जितने भी वेराइटी हैं पाउडरों की। अब सेकेंड इसमें है ये ब्यूटी ब्लेंडर। ये ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ये फाउंडेशन को लगाने के लिए होता है। बेसिकली अगर आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन लगा रहे हो तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से आप अगर डैब डैब करके उस फाउंडेशन को लगाओगे तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा बेस बन के तैयार होगा। और इस वाले ब्यूटी ब्लेंडर को हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जब हमको मेकअप करना हो या फाउंडेशन लगाना हो, उससे पहले हम इसको वाटर के अंदर डिप करके रखेंगे। उसके बाद इसको स्किच करेंगे, जब हमको इसकी ज़रूरत होगी तो एक्सेस जो पानी है उसका, वाटर है, उसको निकाल देंगे। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन ले ली है और ये अगर मुझको लगाना है तो इसको मैं पानी में डिप करके एक्सेस वाटर निकाल दूंगी। उसके बाद डैब 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 करके मैं अपना वेस्ट बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल कितना अच्छा इसका वो बना है, कितनी इजी टू ब्लेंड हो गया है। अगर हम अपनी फिंगर से ब्लेंड करें और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करें तो दोस्तों उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर क्या कहते हैं उससे, ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन के लिए आता है। और ये ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है ना, ये एक्सेस प्रोडक्ट को सोख लेता है। तो उतना ही प्रोडक्ट जितना हमें जरूरत होती है उतना ही प्रोडक्ट हमारी स्किन पर रह जाता है और बाकी का ये सोख लेता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी फाउंडेशन का बेस तैयार हो जाता है। तो ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन के लिए है। ये वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है। और इस वाले ब्यूटी ब्लेंडर को हम अपने आउटर कॉर्नर, जैसे हमको कंसीलिंग करनी है, कंसीलर अपने स्किन पर आइस के आसपास लगाना है, तो ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इसे इसकी कॉर्नर से डैब 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 करके इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर के लिए, इसे नोज के इधर, तो ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर कॉर्नर के लिए है। और ये वाला स्पंज बेसिकली ये वाला जो इस ब्यूटी ब्लेंडर है, और इसको हम हर चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम पाउडर लगा सकते हैं, लूज पाउडर लगा सकते हैं, इससे हम अपनी फाउंडेशन भी लगा सकते हैं। इसको भी स्पंज को वाटर में थोड़ा गीला करना है, उसके बाद में अगर हमें फाउंडेशन लगानी है तो इसको गीला करके डैब डैब करके लगाना है। और यदि हमको लूज पाउडर लगाना है तो इसको डायरेक्ट से लेके थोड़ा सा डस्ट करके अपने हाथों पे पाउडर लगा सकते हैं। और ये मतलब ये एक ब्यूटी ब्लेंडर है और इससे सब कुछ किया जा सकता है। तो और बेसिकली ये वाले स्पंज जो आते हैं ना, छोटे छोटे स्पंज, ये छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर जो आते हैं, इनको इनका मेन काम क्या होता है कि अगर हमने फाउंडे आई शेड्स वगैरह लगाई है, या हमने लाइनर लगाया है, या हमने क्या कहते हैं उससे, अगर हमने मस्करा लगाया और उससे यहाँ पे छोटे छोटे मार्क बन जाते हैं या एक्सेस प्रोडक्ट हमारे फेस पर लग जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है।
तो मैंने ये आपको पूरे ब्यूटी ब्लेंडर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और यदि आपको फिर भी कुछ भी ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर का पूरा पैक है और ये आपको लोकल मार्केट से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, राधे राधे।